वेलकम टू सोनकर्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं घीए का हलवा। घीए के हलवे को लोग दूधी का हलवा भी कहते हैं। तो हमें घीए के हलवे को बनाने के लिए दो घिया लेना है, उसे बारीक छील लेना है। देख सकते हैं आप कैसे मैं इसको छील रही हूँ। घीए को छीलने के बाद इसे धो लेना है, उसके बाद इसे कद्दूकस कर लेना है। अब आप देख सकते हैं हमारा कद्दूकस हुआ हुआ घीया कितना अच्छा लग रहा है। अब आप इससे हलवा बना सकते हैं, अब ये बिखरेगा नहीं। आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसमें एक चम्मच घी डालना है। घी डालने के बाद अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स डालकर उसे रोस्ट कर लीजिए। हमने देसी घी लिया है, आप चाहे तो थोड़ा देसी घी और थोड़ा रिफाइंड लेके भी हलवा बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा ड्राई फ्रूट्स कितने अच्छे से रोस्ट हो चुका है। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद घिसे हुए घीए को कढ़ाई में डालिए और उसे लाल कर लीजिए। घीए को लाल करने से पहले हम इसमें दो गिलास दूध डालेंगे। हमें इसको पहले लाल इसलिए नहीं करना है ताकि इसमें बहुत सारा पानी निकलेगा और दूध भी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हमें इसको बाद में ही पकाना है। अब हमें इसे चलाते रहना है ताकि इसका पानी धीरे धीरे करके सारा जल जाए और ये अच्छे से लाल हो जाए एक हलवे की फॉर्म में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 15 मिनट से पका रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पानी जल चुका है। अब ये धीरे धीरे हलवे की फॉर्म में आ रहा है। ऐसे ही आपको इसे 20 मिनट और चलाना है। अब आप देख सकते हैं 15 मिनट से पकाते पकाते हमारा सारा पानी जल चुका है। अब इसमें हमें एक कटोरी चीनी डालनी है, स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद आपको इसको फिर से चलाना है हल्के हाथ से। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी सारी चीनी मेल्ट होने लगी है और अच्छे से इसमें मिक्स होने लगी है। अच्छे से मिक्स करने के लिए आपको इसको एक बारी फिर चलाना है। अब आपको इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक भी सकती है और सब जल भी सकता है इसमें। तो इसको अच्छे से चलाते रहें आप। अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी और रह गया है। पानी को जलाने के लिए हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। पकाने के बाद आपको इसमें रोस्ट करे हुए ड्राई फ्रूट्स डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी इसे 5 मिनट के लिए और पकाना है थोड़ा।
अब हमें पकाने के बाद एक चम्मच घी ऊपर से डालना है ताकि इसमें देसी घी की खुशबू आए। देखिए अब हमारा हलवा पक चुका है, एकदम तैयार है। अब आप देख सकते हैं इसका सारा पानी जल चुका है। अब हमारा हलवा तैयार है, इसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट एंड शेयर। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।